हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। और सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोग को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे इस चैनल पे दोस्तों हो चुका है 1000 सब्सक्राइबर्स। और जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे और व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त वीडियोज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आगे चल के हमारी जो अर्निंग भी होगी और उस अर्निंग को दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करके नए कैमराज यहाँ पर खरीदेंगे और नए नए यहाँ पर जो भी एक्सेसरीज वगैरह होता है उसको हम खरीद के उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये होने वाला है बी रोल के ऊपर। दोस्तों मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में 10 टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से दोस्तों आप अपना जो ओवरऑल जो वीडियो है उसको आप काफी ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं जो बीरोल्स मैं आपको बताने वाला हूं ये पर्सनली मैं अपने वीडियोस के अंदर यूज करता हूं और आप सभी लोग को दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और एक भाई ने तो कमेंट किया था कि आप बीरोल्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दो क्योंकि मुझे भी कुछ आप ही की तरह यहां पर वीडियो को बनाना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने 10 चीजें नोट करके रखा है। चलिए दोस्तों एक के बाद एक मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको आखिर बीरोल्स को यूज क्यों करना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरी तरह टॉकिंग हेड वीडियो बनाते हो तो दोस्तों आपके लिए बी रोल्स काफी ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन ये है कि दोस्तों आपको ही सिर्फ अगर ऑडियंस देखती रहेगी तो दोस्तों ऑडियंस यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी बोर हो जाएगी और आपकी वीडियोस को देखेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको समय समय पर आप अपने वीडियो के ऊपर एक बी रोल को चिपका सकते हो ताकि लोगों को नया नया जो कॉन्टेंट है वो नजर आता रहे और आपकी बातें लोग सुनते रहे और वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि जंप कट बीरोल्स लगाते हैं जो कि दोस्तों दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। दोस्तों यहां पे आप भी जंप कट को यूज कर सकते हो। आपने मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स को देखा होगा जिन लोग भी यहां पे बीरोल्स वगैरह को यूज करते हैं, अचानक से दोस्तों उनका जो बीरोल है वो यहां पे सामने आ जाता है। और इसी में दोस्तों आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो ये है कि आपकी जो बीरोल है वो यहां पे अचानक से नहीं आएगी बल्कि काफी ज्यादा स्मूथली फ्रिक्शनलेस आपकी बीरोल आएगी, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। दोस्तों यहां पे जो जंप कट वाली बीरोल है वो काफी ज्यादा कम मैं यूज करता हूं, बल्कि मैं यहां पे जो यूज करता हूं वो ये है कि मेरी जो बीरोल है उसमें मैं एक एनिमेशन सा क्रिएट कर देता हूं जो कि आप प्रीमियर प्रो में काफी ज्यादा इजीली यहां पे क्रिएट कर सकते हो। यहां पे होगा क्या कि आपका जो बीरोल है वो अचानक से नहीं आएगा बल्कि कहीं से भी यहां पे स्लाइड होते हुए आएगा ताकि वो एक एनिमेशन टाइप का दिखता है और काफी ज्यादा फ्रिक्शनलेस दिखता है और काफी ज्यादा लोगों को भी देखने में आसानी होती है। चौथा पॉइंट दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि दोस्तों मेरे जो जितने भी कैमरा वाले बीरोल्स यहां पर मैं बनाता हूं जहां पर मैं अपना जो कैमरा है उसको मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, उनमें दोस्तों एक चीज आपने नोटिस किया कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ भी नहीं रहता बल्कि एक ये जो लाइट है ये लगा हुआ रहता है और मेरा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल क्लीन रहता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा कचरा नहीं दिखाता हूँ। इसका फायदा ये है दोस्तों कि आपका जो यहाँ पे ऐसे वाला बीरोल होता है उसमें दोस्तों ऑडियंस आपकी जो फोकस्ड रहती है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी आप दिखाना चाहते हो। दोस्तों अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, कोई वॉच दिखा रहे हो या फिर कोई कैमरा दिखा रहे हो, कोई फोन दिखा रहे हो, कुछ भी आप प्रोडक्ट वगैरह दिखा रहे हो, दोस्तों आप एम्प्टी बैकग्राउंड के ऊपर शूट कर सकते हो। इससे होगा यह कि दोस्तों लोग आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप दिखा रहे हो उसके ऊपर ही बने रहेंगे और दोस्तों वही चीज लोगों को दिखेगी। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट हमारा यह है कि काफी बार मेरे पास दोस्तों टाइम नहीं रहता है कि मैं अपना जो वीरोल है उसको मैं मैन्युअली शूट करूं। दोस्तों ऐसे में क्या करता हूं, मैं कहीं से भी स्टॉक फुटेज जो है उसको मैं उठा लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आप फ्री वीडियोज आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर दोस्तों मैं मेनली दो वेबसाइट्स यूज करता हूं, एक है पिक्साबे एक है पिक्सल्स, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो गूगल पर फ्री वीडियोज अगर आप लिख के सर्च करो तो सबसे पहले दो ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेंगे। दोस्तों उनमें आप जाके वहां पे फ्री जितने भी वीडियोस वगैरह होते हैं उनको आप डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, वो भी बिना कॉपीराइट के। दोस्तों जब मेरे पास टाइम वगैरह नहीं होता है वीडियोस को शूट करने के लिए तब दोस्तों मैं इन ट्रिक्स को यूज करता हूं। सिक्स्थ बीरोल टेक्निक दोस्तों मुझे पर्सनली काफी ज्यादा दिखने में इंप्रेसिव लगता है। ऐसे में होता क्या है कि जिनके पास टेबल वगैरह है दोस्तों उनको आप डेकोरेट कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो कि अपने टेबल के ऊपर एक व्हाइट चार्ट को चिपका सकते हो, उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर आप फेक प्लांट्स वगैरह टॉयज वगैरह आप रख सकते हो और बीच में अगर आप यहां पर अपना फोन वगैरह रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो और यहां पे दोस्तों अपना प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हो। उसके ऊपर आप अपनी स्क्रीन को रख के यानी कि फोन को रख के आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्त सा लगता है, तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। तो अब दोस्तों यहां पे काफी बार होता क्या है ना कि जब मैं यहां पे अपना जो बीरोल है वो खुद से शूट नहीं करता हूं, जब मैं यहां पे डाउनलोड करके यूज करता हूं तो दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि सिर्फ डाउनलोडेड बीरोल 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 ही आ रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या करता हूं कि अपना जो टेक्स्ट वाला बीरोल है उसको मैं खुद से क्रिएट कर लेता हूं। ऐसे में क्या करता हूं, सबसे पहले एक जो कैमरा का फोटो या फिर जिस चीज के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस चीज के बारे में दोस्तों यहां पर मैं एक बैकग्राउंड में फोटो लगा लेता हूं और जिस पॉइंट के बारे में आपको बात कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पे मैं लाइन वाइज पॉइंट बाय पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, सेकंड स्टेप हमारा ये है, दोस्तों कुछ इस तरह से मैं यहां पे लिख लेता हूं सेकंड स्टेप। उसके बाद दोस्तों उसको मैं यहां पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर चेंज कर देता हूं और उस टेक्स्ट को दोस्तों यहां पर मैं कर देता हूं एनिमेट ताकि वो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। ये बीरोल टेक्निक भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों हमारा एट्थ पॉइंट है वो ये है कि यहां पर आप चाहो तो ट्यूटोरियल वाला बीरोल भी यहां पर यूज कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको
इस वाले सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इस वाले सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, तो आप चाहो दोस्तों उसका भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली अपने कैमरे से भी आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड, यहाँ पे आप वीडियो ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों उसको आप एज ए ट्यूटोरियल आप अपने वीडियो के ऊपर एज ए बी रोल आप यूज़ कर सकते हो, जो कि दोस्तों ऑडियंस को देखने में आप उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। मान लीजिए दोस्तों मैं ऐसे ही मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ कि आपको इसके 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 ऊपर क्लिक करना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर मैं आपको अपना स्क्रीन दिखा दूंगा कि सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है फिर इसको, दोस्तों ये वाला बीरल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाइन्थ पॉइंट दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानोगे तो दोस्तों आप चाहे कितना भी अच्छा बीरल बना लो वो बेकार ही रहेगा। दोस्तों काफ़ी लोगों को मैंने यही देखा कि वो लोग एक छोटी सी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि कोई भी रैंडम सा वीडियो उठा के उसको एज ए बीरल यूज़ कर लेते हैं। उसको आपको नहीं करना है, आपको करना यह है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हो उस चीज़ के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर बीरल लगाना है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, दोस्तों आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप खुद का बना के वीडियो एडिटिंग वाली जो बीरोल है उसको आप अपने वीडियो के ऊपर लगा सकते हो। दोस्तों लास्ट और टेंथ पॉइंट ये है जो कि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, वो ये है कि आपको ये लगता होगा कि मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ यहाँ पे बिना कट लिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ जहाँ कहीं भी मेरा कट होता है वहीं पर दोस्तों मैं एक बीरोल लगा देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को पता ना चले कि आखिर मैं कट कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लोग भी ज़्यादा देर के लिए देखते हैं क्योंकि बीच में कट्स ज़्यादा नहीं होते। दोस्तों आई होप आप सभी को आज का जो वीडियो था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।